राजस्थान के टोंक में पानी की पाइपलाइन बिछाने के दौरान दो पक्षों में मारपीट हो गई। विवाद के दौरान दोनों पक्षों में जमकर ईंट पत्थर चले। इस खूनी संघर्ष में 6 लोग जख्मी हुए हैं। पुलिस ने घायलों को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। साथ ही हालात को देखते हुए 3 थानों की पुलिस मौके पर तैनात की गई है। पानी की पाइपलाइन बिछली थी यहाँ मालपुरा में, जो टोडा रोड है उस पर, और उस पाइपलाइन को लेकर पहले भी पानी को लेकर इनके आपस में कोई कासुनी हुई थी, और जो नई पाइपलाइन डल रही थी उसको लेकर दो पक्षों में, एक ही समुदाय के दो पक्षों में आपस में झगड़ा हो गया और आपस में इन्होंने पत्थरबाजी की, जिसमें करीब 4-5 लोग घायल हुए। घायलों तत्काल मौके पर एडिशनल एसपी साहब मालपुरा का जाप्ता और आसपास के थानों से भी हमने जाप्ता बुला लिया था। स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है और 5-6 लोग इसमें चोटिल हुए हैं, जिनका मेडिकल करा के दोनों पक्षों की ओर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और जो भी इसमें दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। यूपी के बाराबंकी में शहर कोतवाल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कोतवाल कोरोना कर्फ्यू के दौरान दुकान बंद कराते हुए दुकानदारों से गाली गलौज कर रहे हैं। वायरल वीडियो 10 जून का बताया जा रहा है, जिसके सामने आने के बाद पुलिस अधिकारियों ने जांच के आदेश दे दिए हैं और वीडियो सही पाए जाने पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने बुजुर्ग को गोली मारने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला कासना इलाके के चीरसी गांव का है, जहां 10 जून को बच्चों के बीच हुए विवाद के बाद आरोपियों ने एक बुजुर्ग शख्स को गोली मार दी थी। घायल शख्स अब भी अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। यूपी के बुलंदशहर की रहने वाली एक छात्रा को नोएडा लाकर रेप करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित मेरठ में एक कॉलेज में पढ़ाई कर रही है और वहीं हॉस्टल लेकर रहती है। छात्रा का आरोप है कि कुछ समय पहले एक युवक से उसकी जान पहचान हुई, वहीं युवक उसे अपने साथ नोएडा लेकर गया और रेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज कर पुलिस आरोपी युवक की तलाश में जुटी है। एक छात्रा के द्वारा एक अभियोग पंजीकृत कराया गया है, जिसने उसने बताया है कि एक युवक उसको यहाँ से नोएडा ले गया और उसके साथ में दुष्कर्म करने का आरोप उसने लगाया है। इसमें तुरंत ही गंभीरता को देखते हुए, हालांकि उसकी तहरीक के आधार पर घटना नोएडा की थी, मगर तुरंत ही इसमें जो है अभियोग पंजीकृत किया गया है। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में तेज रफ्तार में कार चलाना युवकों को भारी पड़ गया। तेज रफ्तार में कार चलाते हुए युवक ने 6 लोगों को टक्कर मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने कार का पीछा किया। बालाजी मंदिर के पास कुछ लोगों ने कार सवार 2 युवकों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। तब तो कार थी घंटे भर पहले, जिसने पहले मंदावा पुली के पास में हमारे उनका एक्सीडेंट किया, फिर करके मंडावा की तरफ चली गई थी। वापस में वो आई तो इधर से भी उसको कुछ मोटरसाइकिलों से पुलिस की गाड़ी का ऐसा लग रहा है कि शायद उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी, उन्होंने गाड़ी बहुत तेज दौड़ाई, जिससे 3 लोगों के और इंजर्ड है, सभी इंजर्ड का इलाज करा रहे हैं। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस ने 10 लाख की शराब जब्त की है। बताया जा रहा है कि बरामद की गई शराब हरियाणा से लाई गई थी और इसे बिहार ले जाया जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शराब को जब्त कर गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। ड्राइवर से पूछताछ कर पुलिस शराब तस्करी से जुड़े और लोगों का पता लगाने में जुटी हुई है।